हेलो गाइस, तो एक और स्टोरी टाइम वीडियो के साथ मैं आ चुकी हूँ। और मुझे ना आज वैसे मन था कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि मेरा फर्स्ट डे कॉलेज का कैसा था और इससे रिलेटेड सारी बातें। लेकिन उससे पहले ना मैंने सोचा कि उससे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पे हम बात कर सकते हैं, और वो है मेंटल हेल्थ। लाइक आप सबको पता है कि अभी के टाइम में सब लोग कितना ज़्यादा अपने पे ध्यान रख रहे हैं। मतलब सब लोग अपने फिजिकल हेल्थ पे तो ध्यान रखते ही हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ को कोई नहीं देखता। और इस टाइम पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हम सब के लिए ख्याल रखना। और कुछ दिनों से मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए आपके। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं इस पे ना कोई वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, लाइक लोनलीनेस पे या समथिंग लाइक दैट, लेकिन मैं नहीं बना पाई क्योंकि मैंने सोचा कि मे बी ये सबका अपना फोटे होता है, सबको कैसे फाइट करना है अपने मेंटल हेल्थ से, अपने इमोशन से। तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाना वेस्ट होगा या कुछ इतना इंपॉर्टेंस नहीं होगा। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि इट्स हाई टाइम कि मैं बनाऊँ कोई वीडियो और आप लोगों को अवेयर करूँ, या जो मैं सोचती हूँ, जो मैं सोचती हूँ, या जिस वजह से, जिस चीज़ों से मैं अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखती हूँ, वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँ। लाइक सब बताएंगे आपको कि मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करना है, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हमारी जो माइंड और हमारी जो बॉडी है ना, बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है। अगर आपने ये चीज देखी होगी, अगर आपको फीवर आने वाला होता है तो उससे पहले ही आपको उस चीज की फीलिंग आ जाती है, जिसको मलेस कहते हैं अगर मैं बताऊं तो, ऐसी फीलिंग आ जाती है कि मेरे को कि मैं मे बी मुझे फीवर आ जाएगा। तो दैट इज द वे जिसे हम समझ सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है और हमारा जो माइंड है वो कितना ज्यादा कनेक्टेड है हमारी सोल से। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सरसाइज करो। अगर आप एक्सरसाइज करते हो डेली, अपने बारे में सोचते हो, तो इससे आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है और आप अपने आसपास के लोगों को भी बहुत ज़्यादा खुश रख पाते हो। पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये चीज़ भी आपने सुनी होगी कि हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, ये सब करना चाहिए, और उसके लिए हम लोग टाइम निकाल भी लेते हैं, अपना रूटीन भी चेंज कर लेते हैं, पर उसके बाद भी अगर हम लोगों को कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है या उसके बाद भी अगर हम लोग दुखी हैं, तो इट्स ऑल अबाउट आवर थिंकिंग कि हम क्या सोच रहे हैं। और जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपके साथ कुछ पास्ट में कुछ बुरा हुआ है, या आपको ऐसा लगता है कि किन्हीं लोगों ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, तो इट्स टाइम कि या तो आप उनको वो चीज़ें बता दें, और अगर वो नहीं मान रहे हैं, उनको नहीं वो चीज़ समझ आ रही है, तो लेट इट बी। आपको आपका जो फ्यूचर है वो आपका पास्ट डिसाइड नहीं करता। हाँ, इन्फ्लुएंस कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपकी पास्ट की वजह से आप थोड़ा धीरे चलो, या आपको थोड़ा ज़्यादा तेज चलना पड़े जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ के लिए, लेकिन सबको पता है कि उनको कहाँ पहुँचना है। इसलिए ये डिपेंड नहीं करता कि आपका पास्ट क्या था, अगर आपकी मेंटालिटी सही है अपने फ्यूचर के लिए, तो दैट इज़ अ थिंग। और ये भी मुझे बताना है कि कभी कभार वैसे हम लोग ऐसे सोचते हैं ना कि ऐसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है सोशल मीडिया पे या सब कुछ, कि जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ और ये सब, एंड दैट इज इनफ लाइक हाँ, मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ अपने बारे में सोचो और भी, मतलब थोड़ा सा आपको सेल्फिश होना पड़ता है कुछ चीज़ों को लेके, लेकिन कभी कभार हमें दूसरों को फॉरगिव करना भी आना चाहिए। इससे ये नहीं कि मैं आप फॉरगिव कर दोगे तो इससे उसका कुछ फ़ायदा होगा, नहीं, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा किसका होगा? आपका, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, आप सोचोगे कि मैंने, आप अपने ही नज़रों में बहुत ज़्यादा बड़े हो जाओगे, वो चीज़ सिर्फ आपके लिए अच्छी होगी। जो भी सामने आसपास होती है ना, इट हैपन्स फॉर अ रीज़न, ये चीज़ समझ लो। और कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज प्लान। अगर आपकी प्लानिंग नहीं चल रही है आपकी लाइफ पे, तो समझ जाओ कि गॉड की प्लानिंग चल रही है आपकी लाइफ पे, और दैट इज द मोस्ट, सबसे अच्छी चीज़ है कि आपके लिए गॉड प्लान कर रहा है। और ये नहीं है कि जो भी हो रहा है आपको उसको मान लेना है और बस जो भी मेरे साथ हो रहा है बस मैं उसको मान लूँ, सहन कर लूँ। ऐसा भी नहीं है कि आपको हर टाइम सहन करते रहना, ऐसा भी कुछ नहीं है। पर ये है कि आपको लोगों से कनेक्शन बनाना सीखना होगा, कि कैसे, कितना कनेक्शन बनाना है, कि कितना मुझे किसी इंसान से अटैच होना है, क्योंकि यू नो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी, हर चीज कभी ना कभी चली जाएगी। तो ये चीज समझ लो कि अगर मैं किसी इंसान से ज्यादा कनेक्शन बनाऊंगी तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, और अगर किसी इंसान से मैं उतना कनेक्शन नहीं बना रही हूँ जितना बनाना चाहिए तो क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। तो एवरीथिंग बैलेंस में होना चाहिए। जैसे हम लोग भी रेमेडी में पढ़ते हैं कि हमें कॉमन सिम्टम्स नहीं लेना होता, हमें अनकॉमन सिम्टम्स लेना होता है। अगर कोई इंसान है उसको फीवर में प्यास नहीं लग रही, तो दैट इज अनकॉमन, ठीक है। तो अनकॉमन वो चीज हुई कि जो कि बैलेंस से बिगड़ी हुई है, वही चीज कि अगर आप कोई भी चीज बहुत ज्यादा अनबैलेंस्ड वे में करेंगे तो वो सिर्फ आपके लिए ही बुरा होगा, किसी और के लिए बुरा नहीं होगा। किसी और को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, दैट इज द होल ट्रूथ। जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे लोगों को, सबको पता है, हम सबको पता है कि वी हैव टू डाई वन डे, और हम सबको एक ना एक दिन ये धरती, ये अर्थ, ये सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। वेरी फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल बात कर रही हूँ, लेकिन आप सबको, लेकिन ये सब जानने के बाद भी
वी आर सो एनग्रोस्ड इन जस्ट मतलब इतनी छोटी छोटी बातों पे हम इतना ज्यादा चढ़ जाते हैं, इतनी छोटी छोटी बातों पे वी मेक सो मच, मतलब कितना बड़ा हम वो बना देते हैं, एक्सक्यूज बना देते हैं। और इवन मुझे तो ऐसा लगता है कुछ लोगों को, इवन मुझे भी कभी कभार होता है कि मुझे पता ही नहीं होता कि मैं सैड क्यों, या मेरे साथ क्या ऐसा बुरा हो रहा है कि मैं सैड हूँ। और एक और मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारा भी छठ पूजा चल रहा है, ठीक है, तो अब मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी, तो जहाँ हम ऐसे शॉपिंग करने गए थे ना, वो दैट इज अ वेरी मतलब थोड़ा इतना अच्छा इलाका नहीं है, स्लम का थोड़ा एरिया है, और वहाँ मैं गई, जस्ट मैं 20 या 25 मिनट वहाँ, जस्ट जितने देर की शॉपिंग हुई होगी उतने देर में वहाँ थी, उतने देर में आई फेल्ट सो मच ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स माई लाइफ। और मैं आपको बताती हूँ क्यों, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे लाइक जिनका फ्यूचर कुछ और हो सकता था, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो वहाँ पे हम लोगों को बेच रहे हैं, मतलब जो भी सेब संता जो भी हम लेने गए थे, और मेरे पास ये प्रिविलेज है कि मैं पढ़ रही हूँ, मेरे पास ये है कि मैं जो करना चाहती हूँ मैं वो कर रही हूँ, मतलब मैं इतनी छोटी छोटी बातों पे चढ़ जाऊंगी कि मतलब मैं परसों का ही एग्जाम्पल बताती हूँ, घर पे मैं नहीं थी तो सब लोगों ने ना मैगी बना के खा ली घर पे, ठीक है, और मैं बहुत छोटा एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, मैगी बना के खा ली सबने घर पे ना, छोटी सी पार्टी कर ली, ठीक है, और मुझे मैं आई ना तो मुझे किसी ने बताया नहीं, और मुझे कहीं और से पता चला कि मैंने डस्टबिन में रैपर्स देख लिया तो मुझे पता चल गया, ठीक है, तो आई वॉज मेकिंग अ वेरी बिग इशू ऑन दैट कि यार कोई मुझे बताता नहीं है, अच्छा मुझे तो एक बार पता चला है, कितनी बार तुम लोग और करते होगे, कितनी बार और तुम लोगों ने मैगी बनाई होगी मुझे नहीं बताया होगा, अच्छा मैगी अरे तुम लोग तो बाहर भी खाने जाते होगे, कितना कितना कुछ। तो एक छोटे से इंसिडेंट से हम कितना बड़ा इमेजिन कर लेते हैं, इवन छोटी सी दिक्कत होगी, मतलब बहुत छोटा सा इंसिडेंट हुआ है ना, इंसिडेंट बहुत ही छोटा था यार, मैगी खा ली किसी ने, क्या ही हो गया है ना, इतनी छोटी सी बात को हम कितना ज्यादा इमेजिन करके इतनी बड़ी बात बना देते हैं, ठीक है, तो क्रिएटिविटी वैसे ही हमारा माइंड बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, कुछ ज्यादा ही हम इमेजिन करते हैं, तो कुछ चीजों में हमें ना ये चीज छोड़नी पड़ेगी, लाइक हमें कुछ चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा, और ये ही है, अगर हम हर चीज को अपने साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे तो वी विल नॉट सर्वाइव, मतलब ये दैट इज द ट्रूथ। मैंने ये चीज कोशिश कर ली है, और मैं सही बता रही हूँ, मैं भी ऐसे ज्ञान बांट रही हूँ, मैं ऐसे बता रही हूँ, लेकिन इवन आई ऑल्सो लैक इन ऑल दीज थिंग्स, मतलब मुझे भी नहीं पता, मैं भी ऐसा होता है कि कोई एक भी नाराज होता है तो मैं उसको मनाने चल जाती हूँ, और मुझे ये लगता है कि आई हैव टू लीव देम अगर मुझे आगे जाना है तो, पर इन फ्रेंडशिप इन मतलब सोसाइटी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार सब है, सबके साथ चलते हैं, तो कभी कभार हमें अपने आप को ऊपर रखना पड़ता है, और इसमें कुछ बुराई नहीं है, कुछ बुराई नहीं है, सब लोग अपने आप को दूसरों से हमेशा ही ऊपर रखते हैं, और सब लोग के साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ बुरा हुआ होता है, ठीक है, तो ये भी समझना इट्स वेरी मतलब ये बहुत रॉन्ग है कि अगर ये समझो कि सिर्फ मेरे साथ बुरा हो रहा है, क्योंकि ना सबकी लाइफ अलग है, अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम दी है भगवान ने तो किसी और को कुछ और प्रॉब्लम दी है, तो इसी चीज में ग्रेटिट्यूड मना लो कि यार मुझे अच्छा है वो वाली प्रॉब्लम नहीं दी। और एक और चीज मैंने ये चीज पढ़ी है कि ना भगवान भी ना आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स वो देख के देता है कि जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, तो इट डजंट मैटर आप किस फेज में हो लाइफ के, अभी हाई टाइम है, अभी ठीक कर सकते हो आप। इसी के साथ अब ये वीडियो एक बहुत ही अच्छे नोट पे खत्म करते हुए मैं आपको यहाँ पे तीन ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे आप अपनी अगर मेंटल हेल्थ आपकी जितनी भी खराब हो, आई एम श्योर अगर आप ये कुछ दिन ट्राई करोगे ना तो सच में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, और एक बोनस टिप भी देना बनता है, ठीक है, तो और दीज आर द थिंग्स विच वर्क्स फॉर मी, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए भी वर्क करेगी, ठीक है, तो इसलिए बता रही हूँ मैं आपको। तो फर्स्ट टिप है कि आपके साथ अगर कोई कहीं बुरा करता है तो उसको वहीं पे उसका बता दो कि ये आपने मेरे साथ बुरा किया है, और अदरवाइज मेरे साथ ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर रखो जो भी है, ये नहीं कि आप अपने दिमाग में वो चीज लेके घर आ रहे हो, जो चीज जहां की है उसको वहीं छोड़ के आओ। अगर आपके साथ स्कूल में कुछ बुरा हुआ, किसी ने कुछ कहा आपको वो चीज बुरी रही, वहीं पे उसको बोल दो, उसके बाद वो सेम चीज आपको घर ले जाके नहीं सोचेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, और इसी के साथ मैं ये भी इंक्लूड करना चाहती हूँ कि अगर कोई होता है कि वो उस टाइम आप इंसान को नहीं बोल पाते, कुछ भी हो जाए जो चीज सेम डे हुई है सेम डे ही क्लियर करके सोना है। कभी भी ना मैंने भी ये चीज सुनी है कि अगर हम कोई भी चीज रात को ना सोते हैं, मतलब रात को सोते वक्त सोचते हैं ना, वो सेम चीज ना 10 times मल्टीप्लाई होके हमें सेम थॉट्स सुबह आते हैं, और ये चीज आप कर लेना, गारंटी कर लेना। मैं जैसे मैं ये करती हूँ, मैं इसलिए जानबूझ के क्या करती हूँ ना, रात को जब सो रही होती हूँ उस टाइम मैं सोच के सोती हूँ कि यार सुबह उठ के ना ऐसा ऐसा मैं दिन बनाऊंगी मैं अपना, और ये चीजें पढ़ूंगी या ये चीजें करूंगी। जैसे कल रात को मैं सोच के सोई थी कि कल मुझे किसी भी हालत में वीडियो बनानी है, तो दैट इज वाई कि मैं आज बना पाई नहीं, तो यार सच में मैं रोज सोचती हूँ कि ऐसा ऐसा कर लूंगी, नहीं हो पाता, ठीक है। तो जो चीज आप सोच के सोते हो ना वो मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि
फॉर 7 to 8 hours जब तक आप सो रहे हो, जब तक वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में घूमेगा, तो चाहे वो बात बहुत ज्यादा छोटी है, वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाइड, बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई होकर आपके ही पास आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, आपको वो चीज लेके नहीं सोनी है, जो चीज है सेम डे क्लियर करना है, जिसके साथ करना है वो चीज। अब आता है सेकंड है कि अगर वो इंसान है वो नहीं समझ रहा, नहीं क्लियर होने दे रहा, या जो भी दिक्कत है, सेकंड चीज है कि आप उस चीज को, जो भी आपके थॉट्स है, क्योंकि सामने वाला नहीं समझ रहा है, तो आपके जो भी थॉट्स है आपको किसी और के साथ शेयर नहीं करने हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी थॉट्स आप किसी और के साथ शेयर करते हो ना, वो और ज्यादा मोल्ड होके इतनी ज्यादा मोल्ड हो जाती है कि बाद में वो आपके ही अगेंस्ट यूज होती है। दैट इज अ फैक्ट, मतलब मैंने बहुत बार देख लिया और मैं ये चीज समझती भी हूँ। इसलिए ना, कोई अगर मुझे कोई बात बताता है किसी और की, तो मैं समझ जाती हूँ इसमें आधा तो इसने खुद का जोड़ा होगा। ठीक है, और ये चीज आपको भी समझना होगा, ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बताया आप इंपल्सिव होकर तीसरे इंसान के पास लड़ने चले जाओ। ठीक है, अगेन दैट इज वेरी बैड फॉर यू एज वेल एज दैट थर्ड पर्सन ऑल्सो। ठीक है, वो बीच वाला तो करके चला गया उसको जो करना था। ठीक है, तो सेकंड चीज आपको क्या करनी है, आपके जो थॉट्स है, अगर आपको लगता है आप अपनी फैमिली, या तो आप ऐसे किसी इंसान को बताओ जिसको आपको पता है कि यहां से मेरी बात कहीं आगे नहीं जाएगी। लाइक मैं बताऊं, मैं अपनी सारी बात भाई को शेयर कर देती हूँ, कोई भी बात होती है जो मुझे लगता है मम्मी को भी शेयर कर देती हूँ, पर भाई से तो मैं बहुत ज्यादा शेयर कर देती हूँ सारी बातें। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास भी कोई ना कोई होगा, दिमाग दौड़ाओ, फ्रेंड से अलावा भी फैमिली में देखो कि कौन आपकी हेल्प कर सकता है उस चीज में। दैट इज द सेकंड थिंग, तो फैमिली में बताओ। और वो भी नहीं हो रहा आपकी फैमिली, आप बहुत दूर रहते हो, तो आप वो चीज लिख सकते हो, लिख के अपने पास रख लो और मेक इट कंस्ट्रक्टिव, कि वो लिख के ना लास्ट में आपके पास उस चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए, कि वो सब लिखने के बाद आपके पास कुछ होना चाहिए कि यस, अगर ये मेरी दिक्कत है तो हाउ आई नीड टू टैकल दिस, सिंपल। और वो चाहे कुछ भी हो, अगर उस टाइम आपके पास सोल्यूशन नहीं है उसको रख दो, पर ये चीज बनाओ कि बाद में आप आओगे उसके नीचे सोल्यूशन लिखोगे। क्योंकि अगर आप ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को कंपाइल करते जाओगे ना, तो मैं बता रही हूँ आपका माइंड कभी सॉर्ट हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, दैट इज द सेकंड थिंग। और थर्ड थिंग है फिजिकल एक्सरसाइज करना। ट्रस्ट मी, आप सिर्फ एक चीज करके देखो, आपके पास दिन में जितनी भी प्रॉब्लम है ना, सब भूल के शाम को बस 1 घंटा एक्सरसाइज कर लो। सही बता रही हूँ, वो सब सोचना मत, सिर्फ 1 घंटा एक्सरसाइज कर लो। मैं सही बता रही हूँ, जहां थे ना उससे 20 टाइम्स बेटर फील करने लगोगे। और ये चीज अगर आपको, आपने कभी ट्राई नहीं किया ना, आज करके देख लेना। इवन मैं भी बहुत दिन से बड़ी परेशान सी थी, वो ऐसी काम वाम, पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, वीडियो नहीं डल पा रही थी, बहुत कुछ ऐसा ऐसा चल रहा था दिमाग में, जिसकी वजह से अब मैंने सोचा है कि मैं भी जिम ज्वाइन कर लूंगी। तो मैंने कल मैं बात करके आई हूँ, तो आज तो नहीं जा पाऊंगी, आज और कल सैटरडे संडे हो जाएगा, तो नहीं आज है सैटरडे, संडे हो जाएगा कल, मंडे से आई विल बी, मतलब मैं सोच रही हूँ कि 3 महीना ढंग से करूंगी जिम, और मतलब थोड़ा खुद पे ध्यान दूंगी। आई डोंट नो लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में, कि क्या पागल है हमेशा बोलती रहती है फालतू चीजें कि एक्सरसाइज करो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार, तुम करके देख लेना। ठीक है, तो मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो भाई जब मैं एक्सरसाइज नहीं करती ना जिस महीने, उस टाइम मैं किसी ना किसी से जरूर लड़ती हूँ उस महीने। ठीक है, तो दैट इज माई थिंग, तो इसलिए आपको एक्सरसाइज करनी है, दैट इज द थर्ड थिंग। और जो लास्ट टिप, जो बोनस टिप है, जो सब देते हैं, वो मैं एज अ बोनस दे देती हूँ, कि मेडिटेट करना। अगर आपको नहीं आता ना, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की तरफ देखो। लाइक स्पिरिचुअल, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूजा पाठ पे ज्यादा ही लग जाओ, नहीं, मैं भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं हूँ। लाइक मुझे नहीं होती पूजा, मैं नहीं उठ पाती सुबह कि मैं पूजा करूँ, मंदिर जाऊँ, लेकिन बस एक बार अगर आप भगवान को नहीं मानते, यूनिवर्स को तो कोई पावर को तो मानते होगे ना, जस्ट कीप रिमेम्बर, मतलब कभी भी आप कोई भी बुरी चीज भी सोचो ना, 10 मिनट बस उनके नाम से बैठ जाओ बस, और वो जो भी आप सोच रहे हो उस टाइम, जस्ट आपको उस 10 मिनट ना कुछ नहीं सोचना है। लाइक जितनी भी बड़ी दिक्कत हो ना, ये चीज याद रखो, जितनी भी बड़ी दिक्कत है, वो दिक्कत कभी भी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि वो आपसे ज्यादा हो जाए या आपको इम्पैक्ट करने लगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और इसी के साथ मैं वीडियो को बंद करती हूँ। ऐसे और भी कोई क्वेरी हो आपसे रिलेटेड, या आपको कुछ जानना हो मेंटल हेल्थ या समथिंग, या कोई भी आपको चीज जानना हो, कि जैसे मैं सोच रही हूँ इस पे ना एक पूरी सीरीज लेके आऊँ, कि हाउ टू सॉर्ट माइंड, हाउ टू थिंक पॉजिटिव, और समथिंग जो भी मैं सोचती हूँ या कुछ मैं अगर शेयर कर सकूँ तो मैं आप लोगों को शेयर करूंगी इस सीरीज में। तो दैट इज अ थिंग। और इसके साथ और स्टोरी टाइम की वीडियोस भी आती रहेगी, तो डू लेट मी नो कि आपको ऐसी वीडियोस कैसी लगती है। और बाहर से बहुत शोर आ रहा है हर वीडियो में, मैं लास्ट में इसी में खत्म करती हूँ, पर प्लीज माफ कर देना जब तक यह सेटअप नहीं आता, जब तक यही चीज है। ठीक है, तो दैट इज अ थिंग, बाय। अगर पसंद आए वीडियो, और ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, प्लीज प्रायोरिटी योरसेल्फ, अपने आप को प्रायोरिटी दो, दुनिया जाए भाड़। ठीक है, बाय।